सो हेलो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू सागर मेहरा गेमिंग। एंड गाइस, आज की इस वाली फोटो एडिटिंग में आपको मैं सिखाने वाला हूँ कि प्रोफेशनल कलर ग्रेडिंग कैसे कर सकते हैं एकदम HD एंड एकदम शार्प। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस पिक को देख लीजिए एंड इसको मैं एडिट करने वाला हूँ। अब यहाँ पे हम एक्सपोजर को बढ़ा लेते हैं थोड़ा 20%, ठीक है, एंड कॉन्ट्रास्ट को भी माइनस कर लेते हैं, यानी कि थोड़ा सा ना इसको देखता हूँ बढ़ा लेता हूँ 24, ठीक है। एंड हाईलाइट्स को भी हम थोड़ा सा अप कर लेंगे 40 या 38%, ठीक है। एंड उसके बाद शेडोज़ को भी हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेंगे अप थोड़ा सा ज़्यादा, एंड इसको मैं रख लेता हूँ 70 के आसपास, 76, ठीक है। एंड वाइटनेस को भी हम थोड़ा सा ओवर अप करेंगे एंड यहाँ पे हम इसको रख लेते हैं 27। एंड उसके बाद ब्लैक्स को भी हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ब्लैक्स को बढ़ा लेता हूँ थोड़ा सा। अरे भाई टच, अरे यार पता नहीं इस वीडियो को रिकॉर्ड करो टच क्यों नहीं काम कर रहे हो, कोई नहीं समझ रहा। तो मैं ब्लैक्स को 100 कर लेता हूँ एकदम, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे हम टेम्प को कर लेते हैं थोड़ा सा, अरे भाई टच काम हो जा, थोड़ा सा 4 माइनस कर लेते हैं, ठीक है। एंड टिंट को हम 6+ कर लेते हैं एंड वाइब्रेंस को हम 20 के आसपास बढ़ा लेते हैं एंड सेचुरेशन को 6%, ठीक है 6%। एंड इसके बाद हम करते हैं अपनी कलर ग्रेडिंग। यहाँ पे तो सबसे पहले यहाँ पे जो रेड कलर है इसके यू को हम सबसे पहले चेंज करते हैं 10% कर लेते हैं, 10 या 14, ठीक है इतना बहुत है। एंड सेचुरेशन हम इसकी माइनस करते हैं अराउंड 27, ठीक है। एंड हाई ल्यूमिनस बढ़ा लेते हैं इसके 13%, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम ऑरेंज कलर में। अरे भाई टैप हो जा भाई, टैप ही नहीं हो रहा नीचे। हाँ भाई टैप हो जा। सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं, यहाँ पे यू को चेंज कर लेते हैं सबसे पहले हम। तो यहाँ पे मैं यू को थोड़ा सा माइनस कर लेता हूँ 22 एंड सेचुरेशन को भी थोड़ा सा हम माइनस में कर लेंगे 40 के आसपास एंड ल्यूमिनस को हम 6% बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप सेटिंग देख लीजिए। आपसे मैं कुछ छोटी सी बात कर लेता हूँ, आपको मैं फोटो एडिटिंग की वीडियो भी डालता हूँ इस वाले चैनल पर एंड गेमिंग की भी डालने मैंने स्टार्ट करी, तो प्लीज़ यार गेमिंग वाले चैनल को भी जरूर से सपोर्ट करो यार। बस आप इतना ही कर दो कि आप एक बार देख लिया करो एंड इसको लाइक कर दो एंड शेयर कर दो अपने दोस्तों को, जो भी आपके दोस्त गेम खेलते हैं पबजी, तो उनको आप एक बार जरूर से शेयर कर देना। बस इतना सपोर्ट आपका काफ़ी है और जितना हो सकता भाई उतना थोड़ा सा भाई लाइक कर दिया करो एंड मेरे चैनल को थोड़ा सा शेयर कर दिया करो। तो एंड इसके बाद हम ग्रीन कलर की आपने सेटिंग देख ही लिया है, अब यहाँ पे आ जाते हैं स्काई ब्लू की कलर की सेटिंग पे। तो सबसे पहले मैं यू को 20 माइनस लग देता हूँ एंड सेचुरेशन को 20+ रख लेते हैं, ठीक है। अब जो ल्यूमिनस है इसको हम 33 बढ़ा लेंगे एंड जो अब ब्लू कलर है हमारा, अब ब्लू कलर की ह्यू को हम थोड़ा सा माइनस कर लेते हैं यहाँ पे 28 के आसपास, ठीक है। एंड यहाँ पे अब सेचुरेशन को भी हम माइनस कर लेंगे यहाँ पे 34, ठीक है। एंड ल्यूमिनस को हम बढ़ा लेंगे यहाँ पे 24, ठीक है। एंड अब जो लास्ट वाला पर्पल कलर है ना यहाँ पे पिंक कलर, अब इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं, सेचुरेशन को हम कर लेते हैं 25, ठीक है। एंड ल्यूमिनस को हम 22 माइनस कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे, अब इफेक्ट देने की बात आती है, उसमें क्लेरिटी एंड इफेक्ट सब कुछ डालते हैं, ठीक है यहाँ से। तो टेस्टर कर लेते हैं हम यहाँ पे 13% या 13 या 14 जितना भी हो सकता है, मैं 28 कर लेता हूँ, ठीक है टेस्टर। एंड यहाँ पे क्लेरिटी डाल लेते हैं अपने पिक के अंदर, यहाँ पे मैं रख लेता अराउंड 46, ठीक है, अब थोड़ा सा बेटर लग रहा है। एंड यहाँ पे मैं DS को डाल लेता हूँ, DS कर लेता हूँ मैं 22, थोड़ा सा वो कर लेते हैं 17 रख लेते हैं पर, ठीक है। एंड जो विग्नेट है उसको हम 8% बढ़ा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो राउंडनेस है, राउंडनेस अब इसके पास आएंगे, राउंडनेस के पास राउंडनेस, हाँ इतना ही क्वेश्चन, तो यहाँ पे राउंडनेस पे जाते हैं, इसको हम 10% बढ़ा लेते हैं 18%, ठीक है। एंड जो ग्रीन है इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं यहाँ पे 9%, ठीक है। तो पिक भाई बहुत ही ज़्यादा शार्प हो चुकी, एकदम क्लैरिटी वाली पिक आ चुकी है। अभी इसमें जो छोटे मोटे कमी वो कर लेते हैं एंड शार्पनिंग्स डाल लेते हैं इसमें अपनी पिक के अंदर। तो यहाँ पे मैं रख लेता हूँ अपनी 31, ठीक है। तो एंड यहाँ पे अपनी जो रेडियस है इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे एंड मास्किंग को 3% कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो नॉइजेशन है इसको भी हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं 18% या 17। एंड जो यहाँ पे हमारा अब आएगा कलर नॉइज रिडक्शन उसको भी हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, यहाँ पे डिटेल दे देता हूँ मैं 70 एंड कॉन्ट्रास्ट को भी हम यहाँ पे कर लेते हैं 18, ठीक है। अब सिंपली यहाँ पे कलर नॉइजेशन भी सेट हो चुका है,
तो सिंपली आप भाई कुछ नहीं करना, इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। अगर आप फोटो एडिटिंग वाले मेरे दोस्त हो तो प्लीज़ यार गेमिंग वाली वीडियो को भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दिया करो, एंड चैनल पर नहीं तो जरूर से सब्सक्राइब करना, एंड साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना और एक वीडियो को लाइक करना। अब यहाँ पे आके कर्व को थोड़ा सा छेड़ लेते, थोड़ा सा डार्क कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तब देखिए पिक भाई क्या हाई गजब की एडिट हो चुकी है। तो आपको ये वीडियो कैसी लग रही है तो मुझे जरूर से बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। लव यू ऑल।